रहे हैं स्टार टी न्यूज, हर खबर का असर। ईटा और पत्थर तो पहले भी होता था, पर घर घर शौचालय बनाने वाली रानी मिस्त्री नहीं थी। बैंक खाता तो पहले भी होता था, पर बेटी सबका सुकन्या समृद्धि खाता नहीं था। इसीलिए कहते हैं भैया, झारखंड को कारा, देखो भाजपा दोबारा। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भाजपा दोबारा। नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय सचिव, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और मीडिया प्रभारी पूजा कपिल मिश्रा जी। आइए हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैडम, अभी जो झारखंड में भी कुछ दिन पहले लॉ की छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ है, तो क्या जैसा हैदराबाद पुलिस ने कार्रवाई की है, तो यहाँ पर भी लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि रांची पुलिस भी वैसे ही फास्ट ट्रैक एक्शन ले। देखिए, मैं ये कहूँगी बिल्कुल फास्ट ट्रैक एक्शन जरूर होना चाहिए, त्वरित न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में किसी को भी नारी की अस्मिता से खेलने का कभी भी अधिकार नहीं रहा है, ना कभी हो सकता है, और ऐसे लोगों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। ये सरकमस्टांस पर भी डिपेंड है। हैदराबाद पुलिस उनको वापस से उस सीन क्रिएट कराने के लिए लेके गई। अब अपराधी भागेगा तो वो फिर पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उसको एनकाउंटर करे, वो उसको भागने तो नहीं देंगे। तो वो उनके हिसाब से उस परिस्थिति में उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही है कि अगर अपराधी भागेगा तो पुलिस का काम है उसे रिश्ते खत्म करना। लेकिन अगर यहाँ ऐसा हुआ है, पुलिस ने अगर उनसे कार्रवाई की तुरंत, मैं आजकल आप देख रहे हो कि अदालतें भी तुरंत एक महीने में फांसी की सजा सुना रही है, ऐसा मैं राजस्थान से मिलता आती हूँ, अभी स्टेट में हुआ है। तो अगर कार्रवाई हो बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि लोगों में दर्द है, कानून का मजबूती से रहे कि नारी की अस्मिता पर जब जब आप हाथ डालोगे तो ये कानून, जो मजबूत कानून भारत का, जो हमारा लोकतंत्र तांत्रिक देश है, यहाँ जज तुरंत विवाद से कार्रवाई करने के लिए बैठे। मैं बिल्कुल इस चीज को जायज कराऊंगी कि तुरंत न्याय होना चाहिए, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि अपराधी अगर उसको सच अपनी चीज को मान रहा है कि उसने गलती की है और उसको न्यायपालिका अगर उसको सजा दे रही है तो वो ज्यादा बेहतर है, पर एक महीने में भी हो सकता है। मैंने उन्नाव रेप केस दिया था, उसमें एक साल पहले से भी उन्होंने केस दर्ज किया था, लेकिन प्रशासन ने उनका केस दर्ज नहीं किया, 5 टाइम केस दर्ज नहीं किया। प्रशासन से ये चीज हुई कि नहीं, अगर प्रशासन क्या नहीं कहती, समाज में किसी भी दायित्ववान व्यक्ति से कहीं भी चूक जाती है उसको उस चूक की सजा मिलनी चाहिए। इसमें किसी की भी मैं उस 50% आबादी से खुद आती हूँ, तो चाहे कोई भी हो, सजा के हकदार सारे लोग हैं, सबको सजा मिलनी चाहिए। वो किसी भी लड़की की, किसी भी नारी की, कोई भी इज्जत से खिलवाड़ करता है। अमित शाह आते हैं यहाँ पर और बोलते हैं कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन निर्वाचन आयोग का कहना है कि अभी नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ और घटना भी हो जाती है, कुछ दिन पहले भी अभी नक्सलवाद घटना हुआ। देखिए, एज ए गृह मंत्री आप सब लोग देख सकते हैं कि किस तरह से काम कर रहे हैं। कश्मीर जैसा मुद्दा जो शायद कभी सोचा नहीं गया था कि इस तरह से हल हो जाएगा, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके, लेकिन कभी क्या होती है कि सरकार ने, कानून ने पूरी तरह से अपने काम को कर दिया, लेकिन कहीं से फिर भी कोई चीज उकाती है तो जो उकर आए उनको भी समूल नष्ट करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, इस चीज के लिए एक मजबूत गृह मंत्री देश को मिला है और ये पूरा भारत जान रहा है, भारत ही नहीं आज विश्व भी मान रहा है कि एक मजबूत सरकार काम कर रही है। रघुवर दास ने बोला था कि अगर 24 घंटे बिजली नहीं आएगी तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, वैसे आप झारखंड की थोड़ी सी तुलना करिए 5 साल पहले की से, और पूरी कोशिश, कहते हैं कि सही नीयत के साथ में, सही सोच के साथ कोई कार्य करे, कभी कभी उस सोच में अगर कुछ परसेंटेज कमी लगती है तो मीडिया का काम है, जो सब सही सोच से काम कर रहे हैं, सही नीयत से, सही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो अगर छोटा मोटा ऊंच नीच भी उस बात में कहीं रह जाए कि कहीं चली गई बिजली, तो आप लोग उसको समर्थन करिए, एक मजबूत सरकार फिर से झारखंड में बनवाइए। अभी भी प्रशासन को क्या ऐसे कड़े कदम क्या उठाने चाहिए जो महिला के साथ ऐसा रेप आगे और किसी के साथ भी ऐसा ना हो। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात त्वरित न्याय की शुरू से शुरुआत की थी, और कानून भी ऐसे बने हैं विशेषकर बच्चियों के लिए, तो 12 साल से अगर आप छोटी बच्ची के साथ कोई रेप करता है तो उसके लिए पॉस्को कानून के तहत तुरंत फांसी दी जाए। इन कानूनों को हमें, कानून बहुत अच्छे हैं, कुछ एक कानून में और अमेंडमेंट हो सकता है, कानून को तुरंत प्रभाव से लागू कराने का प्रेशर हम सब समाज को, इस सोसाइटी को देना होगा कि सरकारों में जो लोग लूप होल ले जाते हैं ना अपराधी, उनको बचाता कौन है।
उनको बचाता कौन है? इसी समाज के, इसी समाज से अपराधी आता है, इसी समाज से बचाने वाला आता है, इसी समाज से उनको कहीं ना कहीं कई सारे लोग सहानुभूति देते हैं मानवाधिकार के उसको जुमले को अपना कर। तो इस समाज को मजबूती से होना होगा और बिल्कुल महिला सुरक्षा अवश्यम भावी है कि घटनाएं बंद होनी चाहिए और त्वरित न्याय मिलना चाहिए और हम सबको इसके लिए संकल्प लेके काम करना चाहिए, ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। हमारे साथ से पूजा कपिल मिश्रा जी जो कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी थी, उन्होंने हमसे अभी बात किया और उनका कहना था कि अभी भी बहुत सारे ऐसे कानून बनाने चाहिए महिला शक्ति के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए स्टार डी न्यूज़ के साथ, अपनी सहयोगी अर्शी शमीम के साथ, मैं पूजा भारती।